अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे बेटे का बर्थडे है और मेरे बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि उनके ननिहाल से सब लोग आए हुए हैं। देखिए बलून उनकी काका लेकर आई हैं, सारा ये सजाने का सामान, और देखिए केक कट रहा है। ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन किया मेरे हस्बैंड ने। और आए देखें, अम्मी आज दिखाइएगा। देखो आज मुझे लग रहा पैसा दे देगी सब। आरिश अपना दिखाइएगा। परीजा तुमने अपने टॉप के किसने दिया है? आरिश हेयर बैंड लगाओ। फिर नन्नू ने दिया है। वाह सलाम किया था आपने। तुम्हें देना है सबको। ये लो, ये भी है, ये लो आरिश का, लो दे दो। शाम तुम बना रहे हो? आरिश को दे दो ना। चलो फोटो बस हो गया, खत्म हो गए खिलौने। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आरिश का ही है। आरिश बॉक्सिंग बैग ले लिया। ये भी आपका है। बच्चे खुश हो गए बेचारे। ये अरे दिखाओ, अरे दिखाओ, दिखाओ तो। ये दे दो, क्या खोल के दो? हमें ऐसे दिखाई, खोल के नहीं, डिब्बा ऐसे दिखाई, डिब्बे में। अरे यार खोल के दो, दीदी खोल के ना दो। नन्ना को पकड़ लो, खोल के दो। थोड़ा नीचे करो, नीचे शक्ल तुम्हारी नहीं आ रही। ठीक है ऐसे नहीं, हाथ ऐसे नहीं, हाथ नहीं, ऐसे नहीं। अरे ऐसे लग रहा है, ऐसे नहीं। आयत को भी देखना है। नीचे करो, सुनो तो, आयत भी पकड़े। वो भी है मौजूद, चारों आयत का भी ले रहे हैं। सच मेरा भैया इसका भी आगे। पैसा ले रही है कि दे रही है? पैसा दे दो ना, उधर देख के दो। भाई कह रहे स्माइल स्माइल आ रही है। फरीदा ये कौन से आप लग रहा है कोई तकलीफ में हो तुम? और वो वाला गिफ्ट दिखाइए, ये किसने दिया है? फरीजा ने दिया है। चालू क्या रिश्ता रह गया? ये वाला नहीं, ये लो। फरीजा को गिफ्ट देने की जल्दी है। ये कपड़े आयत के, इनको पता है ना ये आयत का है। ये आयत की डॉल्फिन है। आयत है आपका ये, ठीक है। ये आयत का मेकअप बॉक्स है। ठीक है ये नहीं, कार वाले बलून। ओ अल्लाह सब लोग जा रहे हैं। आया सब तो चिपट चिपट कर रो रही है। करो सही से, ऐसे करके अल्लाह हाफिज़। हम आ रही है। वो सब लोग आज जा रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरे बच्चे भी बहुत रोए, आए तो बहुत ज्यादा रोए। दूसरे दिन से फिर वही रूटीन, आरिश स्कूल जा रहा है, मैं इनको गेट तक छोड़ने आई हूँ। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे आरिश की बर्थडे की क्या क्या चीज़ें पसंद आई, उसके बलून्स कैसे लगे। और अल्लाह हाफिज़।